केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में नए भारत का बजट पेश किया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट था, इसलिए कई मायनों में इस बार का बजट खास माना जा रहा है। मोदी सरकार ने अगले साल होने वाले 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए देश की जनता को फायदा पहुंचाने वाला बजट पेश किया। इस बजट में टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देने का ऐलान किया गया। अब नई इनकम टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपए तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, जो अब तक 5 लाख रुपए था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी। नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स छूट की सीमा को 7 लाख रुपए कर दिया गया है, यानी जिनकी सैलरी 7 लाख रुपए है उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन उनकी आमदनी 7 लाख से 1 रुपए भी बढ़ जाती है तो उन्हें टैक्स देना होगा। और वो टैक्स की रकम सिर्फ 1 रुपए पर नहीं बल्कि 3 लाख रुपए से ऊपर की पूरी आमदनी पर देनी हो, यानी जिनकी आमदनी 7 लाख से ज्यादा है उन्हें नई टैक्स व्यवस्था के तहत अब 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन आय 7 लाख से ऊपर जाने पर 3 से 6 लाख वाले स्लैब में 5% टैक्स देना होगा। इसी तरह 6 से 9 लाख रुपए तक के स्लैब पर 10%, 9 से 12 लाख रुपए तक के स्लैब पर 15% और 12 से 15 लाख रुपए तक के स्लैब पर 20% और 15 लाख से ज़्यादा आय पर 30% इनकम टैक्स देना होगा। मौजूदा टैक्स स्लैब की बात करें तो अब तक नई इनकम टैक्स रिजीम में 2.5 लाख रुपए तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय में 5% टैक्स लगता था, जिसमें 87A के तहत रिबेट का प्रावधान है। 5 से 7.5 लाख रुपए की आय पर 10%, 7.5 से 10 लाख रुपए की आय पर 15%, 10 से 12.5 लाख रुपए की आय पर 20% और 12.5 से 15 लाख की आय पर 25% और 15 लाख रुपए से ज़्यादा की आय पर 30% टैक्स देना होता था। इसके अलावा बजट में मोबाइल, टीवी, कैमरा और बच्चों के खिलौने सस्ते हुए हैं, इसकी बात बजट में की गई है। इसके साथ और भी कई चीज़ें बजट में सामने आई हैं जिसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है।